हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम आपको इज़राइल M1 टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह है इज़राइल M1 टैबलेट, क्या काम में आती है, किस कंडीशन में दी जाती है, इसके बारे में पूरा जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचेगी। अब देखिए वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम आपको इज़राइल M1 टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह है इज़राइल M1 टैबलेट। आपको पहले हम बता दें कि फ्रेंड्स, यह शुगर वाले पेशेंट को दी जाती है। जिन पेशेंट को शुगर रहती है, काफ़ी दिनों से शुगर रहती है, कई दिनों से शुगर की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें दी जाती है। अब इसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानते हैं कि फ्रेंड्स, यह सिस्टोपिक लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर MRP की बात करें तो 39 रुपये की पर 15 टैबलेट आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी या फिर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। यानी 2 रुपये 26 पैसे पर टैबलेट आपको यह मिल जाएगी। यानी काफी इकोनॉमिक प्राइजेस और प्राइस समय के साथ में बढ़ भी सकती है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें ग्लिमप्राइड 1 मिलीग्राम और मेटफॉर्मिन HCL जो सस्ते रिलीज में है वह 500 mg इसमें मिला हुआ है। अब यह कैसे काम करती है तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि यह एंटी डायबिटिक ड्रग है, यानी एंटी डायबिटीज को कंट्रोल करने की ड्रग है, जो डायबिटीज को यानी शुगर को कंट्रोल करती है। ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज माइलस्टोन इन एडल्ट, यह बड़ों में टाइप 2 डायबिटीज माइलस्टोन होता है उसके कंट्रोल के लिए यह टैबलेट दी जाती है। टाइप 1 होता है और टाइप 2 तरह की डायबिटीज होती है, जिसका हम सेपरेट वीडियो बना देंगे या फिर आपको डॉक्टर इस टैबलेट के बारे में बता देगा। यानी शुगर बढ़ने रेगुलर बढ़ती है, कम ज़्यादा होती है, उस हिसाब से इसके टाइप डिसाइड किए गए हैं, जो आपको हम दूसरे सेपरेट वीडियो में बता देंगे। और बात करें कि यह कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल इन पीपल विथ डायबिटीज, यानी यह डायबिटीज़ के पेशेंट को, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड में शुगर कंट्रोल करने के लिए यह टैबलेट दी जाती है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें कि डोज की तो फ्रेंड्स, इसकी एक टैबलेट होती है वो डेली लेनी होती है, आफ्टर फूड यानी खाना खाने के बाद में यह एक टैबलेट लेनी होती है, जो रूटीन में डेली एक ही समय पे सेम समय पे लेनी होती है, समय चेंज नहीं करे। इसका बेस्ट इफेक्ट तभी देगा और टैबलेट के साथ साथ में आप अच्छी डाइट भी ले, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे शुगर आपको कंट्रोल हो सके और टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपके शुगर कंट्रोल रहता है, सही रहता है, तो डॉक्टर के आप डॉक्टर से सलाह लेके इसे बंद भी कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना आप इसे बंद नहीं करें, जिससे आपको सही रिलीफ मिल सके। अगर बात करें साइड इफेक्ट की फ्रेंड्स, इस टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि अगर इसका ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, जिसके कारण डिजीनेस होती है, हेडक हो जाता है, यानी आलसीपन या फिर कह सकते हैं कि कुछ करने की इच्छा नहीं हो, थकान वगैरह हो, या फिर सर दर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यह बढ़ी हुई ग्लूकोज को कम करती है। अगर कि कोई पेशेंट के ग्लूकोज सही ब्लड में डायबिटीज या ग्लूकोज लेवल सही हो, उसके बाद में भी यह टैबलेट ले तो उन्हें यह प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करें कि फ्रेंड्स, से इसे कुछ पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, जैसे अगर कुछ पेशेंट को जो अल्कोहल लेते हैं उन्हें अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट के किडनी लीवर हार्ट जैसी प्रॉब्लम है तो वह अपने डॉक्टर से सलाह ले लेवे, उन्हें बता देवे कि उन्हें यह मेडिसिन देने से पहले सही सलाह दी जा सके। आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेगी। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत है।